हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। दिस इज एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर एम पी पी सी एस जे। अभी कोई डेट नहीं आई है एग्जैक्टली कि एग्ज़ाम कब होगा, बट यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। एंड जो कल अभी एक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम की डेट कब होगी, तो ड्यू टू कोरोना वायरस उन्होंने अभी टेंटेटिव डेट देने से भी मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं बताएंगे, तो जब भी होगा वो नोटिफाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हमारा सिलेबस है। तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट ये हमने अरेंज किया है। तो ये जो हमारे फाइव सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 मार्क्स, सीपीसी 15 मार्क्स, इंडियन एविडेंस एक्ट 15 मार्क्स एंड आईपीसी 15 मार्क्स, सीआरपीसी 15 मार्क्स। तो ये हमारे हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एंड एम पी हमेशा स्ट्रक रहता है कि अपने की 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन है तो दे विल फ्रेम 10 क्वेश्चंस ओनली। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये 7 सब्जेक्ट्स जो कि हैं लेस वेटेज वाले, जैसे आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 7 क्वेश्चंस आएंगे, 7 नंबर कंटेन करेगा, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8, एस आर ए 6, एकोमोडेशन 5, एम पी लैंड रेवेन्यू 5, एन आई ए 5 एंड लिमिटेशन 4। तो ये आपके लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि किस तरह से हम सारे सब्जेक्ट को कवर करें। नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत है, जैसे आपका जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का आता है, कंप्यूटर नॉलेज इज़ ऑफ 10 मार्क्स एंड इंग्लिश इज़ ऑफ 10 मार्क्स, तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स हो गए। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अभी कोई डेट नहीं आई है लेकिन अगर हम टेंटेटिव डेट की बात करें तो वी कैन टेक अ एग्जाम्पल कि अगर हमारे एक मान के चलें कि जो टेंटेटिव डेट है डेट इज 14th February, तो 14th February को अगर लेके चलते हैं, टुडे इज 22nd December, तो ये डेट्स अगर लेके चलते हैं तो टोटल हमारे पास कितने डेज हो गए, तो टोटल वी हैव 53 डेज। और 53 डेज में भी हमको 4 डेज अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एंड दीज डेट्स आर 31st December पढ़ाई नहीं हो पाती है, 1st January भी अगर हम ले लेते हैं तो वो भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, 14th January मकर संक्रांति है, एंड 7th February इट इज़ बिहार APU। तो ये जो 4 डेट्स हैं इनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी की ये जो 3 डेट्स हैं इसमें आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, इसमें आपको कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड या कुछ भी एनीथिंग जो कि आप ब्राउज कर सके ऑन द इंटरनेट, आप उसमें से कंटेंट लेके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई नहीं करनी है। तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। हमको हमारे पास 49 डेज आ गए, 53 डेज थे, 4 दिन हमने निकाल दिए, नाउ वी हैव 49 डेज। 49 डेज में आपको क्या क्या कवर करना है, 15 लॉ के सब्जेक्ट हैं आपके और 3 जैसे जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश हो गया। ठीक, तो इसमें भी अगर हम बात करें 49 डेज में भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका 40 डेज जो आपको पूरा प्रॉपर थ्योरेटिकल पढ़ाई करनी है, और 9 डेज ये आप रख सकते हैं रिविजन के लिए। ठीक, और ये जो 40 डेज है, 40 डेज में आपको 18 चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो 40 डेज की अगर हम बात करते हैं तो 8 डेज में 1 मेजर सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इजी, अगर आप आराम आराम से भी करेंगे तो बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 8 डेज में एक मेजर सब्जेक्ट बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 5 मेजर सब्जेक्ट हैं तो 40 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो वो सबसे पहले आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन कर लो, उसका रिवीजन करते रहना साथ में। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे बाकी के 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन 7 सब्जेक्ट्स को आप 5 डेज में एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट करिए, 1 लेस वेटेज वाला सब्जेक्ट। ओके, उसमें आप 1 एक लेस वेटेज वाला सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल आप 40 डेज में अपना टोटल सारा कुछ फॉर द एम पी पी सी एस जे आप कंप्लीट कर सकते हैं। 9 डेज में आप रिवीजन करिए, और इसके साथ में ही आप कंप्यूटर प्लस जीएस प्लस इंग्लिश ये सारी चीज़ें आप साथ में ही लेके चलिएगा। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। All the best for your MPPCSJ and Bihar APU. Thank you so much.